उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में नेशनल हाईवे 29 पर महिला ग्राम विकास अधिकारी का हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ है। वायरल वीडियो 5 नवंबर का बताया गया है और मामले में महिला अधिकारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि कैसे महिला अधिकारी तेज आवाज में हंगामा कर रही है। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर कवरेज के लिए गए एक मीडियाकर्मी की माइक और आईडी भी महिला अधिकारी ने छीन ली। वायरल वीडियो में हंगामा कर रही महिला का नाम सपना सिंह है और यह मऊ जनपद के कोपागंज ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। बताया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी सपना सिंह जिले के विकास भवन में विभागीय रिपोर्ट जमा कर वापस अपनी निजी कार को ड्राइव करते हुए घर जा रही थी। इसी बीच इनके वाहन ने शहर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर तिराहे के पास एक साइकिल सवार शख्स को टक्कर मार दी। जिस समय यह घटना हुई उसी वक्त ग्राम विकास अधिकारी की कार के पीछे सदर तहसील के एसडीएम अतुल वत्स की गाड़ी भी थी। जैसे ही एसडीएम ने यह देखा उन्होंने फौरन सपना सिंह को रोककर संयम से गाड़ी चलाने की बात कही। एसडीएम की यह नसीहत महिला ग्राम विकास अधिकारी को नागवार लगी और उन्होंने एसडीएम पर ही छेड़खानी का आरोप लगाकर हाईवे रोड पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। जिस वक्त महिला अधिकारी एसडीएम सदर से उलझी हुई थी उसी समय मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने घटनाक्रम का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और वीडियो को वायरल भी कर दिया। वायरल वीडियो में घटना की कवरेज करने गए न्यूज 18 के पत्रकार से उसकी आईडी छीनते हुए भी महिला अधिकारी सपना सिंह को साफ देखा जा सकता है। मामले में सदर एसडीएम अतुल वत्स ने बताया कि मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। एसडीएम का कहना है कि पुलिस की जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है। हालांकि जिस तरह से महिला अधिकारी द्वारा अपने से वरिष्ठ अधिकारी से नोकझोंक की गई इसे माना जा रहा है कि लखनऊ में भी शासन स्तर पर मामले को संज्ञान में लिया जा सकता है। ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी सच होगा वो बाहर सामने आएगा। नहीं तो सर वहाँ पर विवाद कैसे शुरू हो गया सर? विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इनके द्वारा किसी को एक वृद्ध साइकिल सवार को टक्कर मार के और ये बहुत तेज़ी से गाड़ी को आगे वो भगा रही थी। मेरे द्वारा कोशिश भी की गई कि भाई रुके लेकिन ये रुकी नहीं, लेकिन आगे जाम था उसमें इनको रुकना पड़ गया और उसके बाद इन्होंने मीडिया कर्मियों से काफ़ी बदतमीजी और उनका माइक वगैरह छीना है। ब्यूरो रिपोर्ट जनमत न्यूज़।